सुबह सुबह नाश्ते में दस्तरखान पे आलू के परांठे मक्खन के साथ लगे हों तो मज़ा ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माय डेली क्लिक में मैं हूँ ज़ुबैर मलिक और आज हम बनाएंगे आलू के परांठे, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। दो अदद लिए हैं आलू, इन्हें बारीक कर लिया है और आलूओं को तड़का लगा लेंगे। आप तड़के के बगैर भी वैसे भी डाल सकते हैं। हाफ से भी थोड़ा प्याज ले लिया है, इसे ब्राउन कर लेंगे। एक अदद हरी मिर्च डाल देंगे, टमाटर ले लिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो चम्मच एक चम्मच मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पिसा हुआ, हसबे जरूरत नमक, आलू डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार है, चूल्हे को बंद कर देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, ये थोड़े से मटर थे ये डाल देंगे। उबले हुए मटर थे, हरा धनिया काट देंगे बारीक, एक कटोरी ले ली है मैदा, इसमें डाल देंगे। एक कटोरी ले ली है गेहूं का आटा, गंदम का आटा, पानी, अच्छी तरह से गूंध लेंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंध लेंगे, गूंधने के बाद मिलते हैं। लीजिए जनाब, आटा हमारा तैयार है, थोड़ा सा ऊपर पानी लगा दिया है ताकि खुश्क ना हो ऊपर से। आटा हमारा तैयार है, 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ दिया था। परांठे बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी या मक्खन लगा लें ऊपर।
लीजिए जनाब, आलू के परांठे हमारे तैयार हैं, मज़ेदार, बहुत ही नरम और सॉफ्ट। आप भी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आपको ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुबह सुबह नाश्ते में दस्तरखान पे आलू के परांठे मक्खन के साथ लगे हों तो मज़ा ही आ जाए।